हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, और आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपका भी राशन कार्ड बना हुआ है तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और खुशखबरी ये है कि गवर्नमेंट द्वारा एक नए अपडेट को जारी कर दिया गया। जितने भी भाइयों का राशन कार्ड बना हुआ है उनका ई केवाईसी करवाना अनिवार्य हो गया है। अगर आप अपना ई केवाईसी नहीं करवाते हैं तो आपको राशन कार्ड से आपके नाम को काट दिया जाएगा, यानी कि नाम को हटा दिया जाएगा और आपका राशन कार्ड जो है उसको बंद कर दिया जाएगा, यानी कि आपका राशन मिलना बंद हो जाएगा। राशन कार्ड से जितनी भी आपको सुविधाएँ मिलती हैं सभी सुविधाएँ बंद कर दी जाएंगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मेरा ई केवाईसी तो पहले से ही कम्प्लीट, तो हमको करवाना है कि नहीं करवाना है, तो भी हम आपको बताएंगे कि आपको ई केवाईसी करवाना है कि नहीं करवाना, और करवाना है तो कैसे करना है। और यहाँ पे बहुत से भाई ऐसे हैं जो अदर स्टेट में रहते हैं, दूसरे स्टेट में रहकर दूसरे स्टेट का उनका राशन कार्ड बना हुआ है, उनको अपनी ई केवाईसी कैसे करवानी है और इसका लास्ट तारीख क्या है ई केवाईसी करने का, आज इस वीडियो में आपको कम्प्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। तो अगर आपका भी राशन कार्ड बना हुआ और आप अपना ई केवाईसी करना चाहते हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा कम्प्लीट देखना होगा। और वीडियो पसंद आ जाए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अब अगर आपका राशन कार्ड बना हुआ है और आप अपना ई केवाईसी करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में प्ले स्टोर को ओपन करना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद यहाँ आपको टाइप करना है मेरा राशन, ठीक है, आपको इतना लिखना है, लिख के आपको सर्च कर देना है। जैसे सर्च करिएगा यहाँ पे देखिएगा ये ऐप देखने को मिलता है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऐप है। बस आपको इस ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है। जैसे इंस्टॉल करेगा यहाँ पे ओपन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आपको यहाँ पे क्या करना होगा, ओपन वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ओपन वाला ऑप्शन पर क्लिक करेगा तो कुछ अलाउ करने का ऑप्शन देखने को मिल सकता है। अगर आप पहली बार इसको इंस्टॉल करेंगे अपने मोबाइल में, कुछ अलाउ करने का ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पर आप अलाउ कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ आपको देखने को मिलता है, देख सकते हैं इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ आपको नीचे देखने को मिलता है आधार सीडिंग का एक ऑप्शन, ठीक है, आधार सीडिंग आपको क्या करना पड़ेगा, इसी आधार सीडिंग वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आधार सीडिंग वाला ऑप्शन पर क्लिक करेगा तो यहाँ आपको देखने को मिलता है राशन कार्ड नंबर या फिर आधार संख्या, तो आपको यहाँ पर राशन कार्ड नंबर को सिलेक्ट करना है, राशन कार्ड नंबर टाइप करना और सबमिट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर राशन कार्ड नंबर टाइप करके सबमिट वाला ऑप्शन पर क्लिक करेगा तो यहाँ पर देखिएगा आधार सेटिंग देखने को मिल जाएगा, तारीख आपको देखने को मिल जाएगा, आपका यहाँ पर पूरा डिटेल देखने को मिल जाएगा, यानी जैसे कि आपका राज्य क्या है, मूल जिला क्या है, योजना क्या है, कार्ड नंबर क्या है, दुकान संख्या, सब कुछ यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ आपको देखने को मिलता है आधार सेटिंग, सबके यहाँ पर यस देखने को मिल रहा है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ हमको यस देखने को मिल रहा है तो हमको ई केवाईसी करवाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम आपको बता दें कि आपको फिर भी ई केवाईसी करवा ना होगा। उसके लिए चलिए हम थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं, उसके बाद हम आपको बता देते हैं कि केवाईसी कैसे करवाना है। तो चलिए हम आपको ये जो अपडेट आया हुआ है पहले उसको दिखा देते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि केवाईसी कैसे करना है। देखते हैं आप अमर उजाला का हम यहाँ पे वेबसाइट खोले हुए हैं, यहाँ आपको देखो क्यों करवाई जा रही ई केवाईसी। दरअसल माना जा रहा है कि कई ऐसे राशन कार्ड धारक हैं जिनके राशन कार्ड में दिए नामों से किसी सदस्य का विवाह हो चुका है तो किसी सदस्य का निधन हो चुका है, ऐसे में इन लोगों के नाम राशन कार्ड से हटवाने के लिए ई केवाईसी करवाई जा रही है ताकि उन लोगों को राशन कार्ड मिल सके जिनकी ई केवाईसी होगी। यानी कि जितने भी लोग का ई केवाईसी होगा अब उन्हीं को राशन दिया जाएगा, जिनका ई केवाईसी नहीं होगा उनका नाम वहाँ से हटा दिया जाएगा। तो बहुत से जैसे होते हैं कि जिनके घर में मृत्यु हो जाती है फिर भी उनका राशन कार्ड मिलते रहता है, तो सरकार की ये जो ई केवाईसी का योजना चलाया जा रहा है उसके तहत जितने भी लोग ई केवाईसी करवाएंगे उनका ही राशन दिया जाएगा, जितने लोग ई केवाईसी नहीं करवाते उनका राशन कार्ड से नाम काट दिया जाएगा। तो यहाँ आप देखते हैं पूरा यहाँ पे डिटेल बताएगा कि लास्ट डेट क्या है, यहाँ आपको पूरा डिटेल में देखने को मिल जा रहा है। इसका आप नीचे आएगा तो आपको यहाँ पे एक चीज़ और देखने को मिल जाएगा, जैसे कि क्यों करवाई जा रही है ई केवाईसी। उसके बाद यहाँ आपको देखने को मिलता है, नीचे आइएगा, कैसे करवा सकते हैं ई केवाईसी, ठीक है, यहाँ आपको देखने को मिलता है कैसे करवा सकते हैं। अगर आप भी राशन कार्ड धारक हैं तो आपको ई केवाईसी करवाने के लिए सिर्फ अपनी राशन की दुकान पर जाना है, यानी जहाँ से आप सरकारी राशन प्राप्त करते हैं। ध्यान रहे यहाँ वे सभी सदस्य जाएँ जिनका नाम राशन कार्ड में है। इसके बाद आपको पोस्ट मशीन में अपने फिंगरप्रिंट देकर ई केवाईसी करवा लेनी है, ये बिल्कुल मुफ्त है। इसके लिए राशन डीलर को एक भी पैसे नहीं दें, ठीक है, को पैसे न दें, यानी कि आपको कुछ भी करना नहीं है, आपको अपने से केवाईसी नहीं कर पाइएगा तो आपको क्या करना होगा, अपने डीलर के पास चले जाना है। अगर मान लीजिए आप किसी अदर स्टेट में रहते हैं और आपका अदर स्टेट का राशन कार्ड बना हुआ है तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको मान लीजिए अगर आपका उत्तर प्रदेश राशन कार्ड बना हुआ है और आप किसी अदर स्टेट में रहते हैं, या फिर अगर आपका बिहार का राशन कार्ड बना हुआ आप किसी अदर स्टेट में रहते हैं, जैसे कि मान लीजिए अब आप वहाँ पे ई केवाईसी सोच रहे हैं कैसे अपने डीलर के पास जाएंगे, कैसे ई केवाईसी करवाएंगे, तो उसके लिए पूरी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। आपको इस ऐप को डाउनलोड करना है मेरा राशन, और यहाँ आपको देखना था आसपास की दुकानें, आपको इस वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे इस वाला ऑप्शन पर अब जैसे आसपास की दुकान वाला ऑप्शन पर क्लिक करेगा तो यहाँ पर वर्तमान स्थान का विवरण, अब आप जहाँ भी रहेंगे आपके लोकेशन में जितनी भी दुकानें रहेंगी
सबका यहाँ पे डिटेल देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ डिटेल देखने को मिल जाएगा, कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। आपको किसी भी दुकान पे चले जाना और अपना EKYC करवा लेना, यहाँ पूरा उसका डिटेल मिल जाएगा। यहाँ पे लोकेशन का ऑप्शन दिया, आपको लोकेशन ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिएगा तो पूरा उनका लोकेशन आपको देखने को मिल जाएगा कि कितना दूर है, कैसे आपको जाना है, सब कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और आप बहुत ही आसानी से वहाँ जाके अपना EKYC करवा सकते हैं। उनको अपना राशन कार्ड नंबर दीजिएगा या फिर अपना आधार नंबर दीजिएगा, जितने मेंबर राशन कार्ड में रहेंगे सबको आपको लेके चले जाना है डीलर के दुकान पर, अपना EKYC करवा लेना है। तो इस तरीके से आप EKYC करवा सकते हैं, आपको कहीं भी जाने का जरूरत नहीं है, एक रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है, आप बहुत ही आसानी से अपना EKYC करवा के राशन ले सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर